नमस्कार, मैं मैडम तनवीर आलम है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। बिहार में कोरोना का कहर है, मगर महागठबंधन जो है वो बैठ गई है सियासत करने के लिए। हम बात कर रहे हैं आज की हुई बैठक पर। आज की हुई बैठक में उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी शामिल थे, और ये बैठक जो है मुकेश सहनी के कार्यालय में हुई थी, जहां पर उनसे सवाल किया गया कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तेजस्वी यादव और कांग्रेस की तरफ से मदन मोहन झा आखिर क्यों नहीं उपस्थित है। तो सिर्फ तीन पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको दिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसी क्या वजह होगी? समय आ जाएगा। देखिए, चुनावी मैदान में हम लोग नहीं आए। अभी चुनाव आयोग पहले डिक्लेयर करे कब चुनाव होगा, क्या होगा, और चुनाव से बेफिक्र होकर हम लोग अभी पहले जनता के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल तो उठता है, राष्ट्रीय जनता दल इसमें आपकी बैठक में शामिल नहीं है। ये सारा जवाब तो आपको राष्ट्रीय जनता दल देंगे या कांग्रेस पार्टी देंगे कि वो क्यों नहीं बैठते। रहा कि मैं उनके तरफ से, उनके प्रवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन उनके तरफ से मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय जनता दल से तेजस्वी जी होम क्वारंटाइन है, ठीक है, वो आ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते हैं, ठीक है। रहा कि कांग्रेस पार्टी के भी जो सीनियर नेता वो दिल्ली में है या बाहर है, प्रभारी वगैरह सब, और प्रदेश के जो नेता है मदन मोहन जी वो हमें नहीं पता कहाँ है। तो हम लोग इजली बात हुआ तो हम लोग चलो बैठते हैं चाय पे, और ये समस्या है जनता के, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सियासी चर्चा क्या क्या हुई? देखिये, जब नेता मिलेंगे तो सियासी चर्चा भी होंगे, लेकिन वो चर्चा आज आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। हम लोगों की इंटरनल चर्चा है, और इंटरनल चर्चा ये है कि अपना ठीक है, सरकार को आगाह करेंगे, और जाहिर सी बात पॉलिटिकल पार्टी है तो चुनाव तो लड़वे करेंगे। जब दूसरा चुनाव आएगा, डिक्लेयर करेंगे तो दूसरा चुनाव लड़ा जाएगा। एक 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 सवाल लगातार उठता रहा है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का सवाल उठता रहा है, जिसको लगातार इग्नोर करती रही है राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, इग्नोर नहीं कर रहे हैं, कभी आपको बोला कि नहीं बनाएंगे, कभी नहीं बोले होंगे, ठीक है, समय आ जाएगा, अपने आप बन जाएगा। बिगर कोऑर्डिनेशन का थोड़े हम लोग तीन नेता एक साथ बैठ गए। आप तीन बैठे हैं, लेकिन पांच पार्टियां हैं इसमें। पांच पार्टी है तो पांच पार्टी से बात हो रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी से बात नहीं हो रहा। और अगर नहीं होना होगा तो मैं सीधा आपको बोल दूंगा कि नहीं बात हो रहा। तो आज हम किसी को मैनेज करने की बात तो कर ही नहीं रहे। क्या आप लोग अलग भी एक रणनीति तैयार कर रहे हैं? हमारी पार्टी का अपना रणनीति है, उपेंद्र जी का पार्टी का अपना रणनीति है, मांझी जी का अपना रणनीति है, कांग्रेस पार्टी का अपना होगा, राष्ट्रीय जनता दल का अपना रणनीति होगा। हम दूसरे का रणनीति तो हम नहीं शेयर कर सकते ना। हमारी पार्टी का रणनीति है मजबूती से, जब समय आएगा तो हम मैदान में उतरे। आज तो सरकार को पहले आईना दिखाना है, सरकार से जो कमी हो रहा है, सरकार 15 साल सत्ता में रहने के, पावर में रहने के बाद भी एक कारखाना नहीं खोला। आज लाखों का लाखों हमारे मजदूर भाई दूसरे राज्य में है, और उसको लाने के लिए भी हैसियत नहीं है इस सरकार के पास। लेकिन लेकिन एक सवाल तो उठता है, पहले भी एक साथ बैठे हैं, इसमें राजद की उपस्थिति नहीं थी, एक बार फिर आप बैठ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? हम लोग बैठ रहे हैं, आप ये सवाल उधर जाके बात कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, हम लोग कैसे उनका जवाब दे दें। रहा कि हमें जो जानकारी है, होम क्वारंटाइन है, इसलिए नहीं बैठ रहे, और बाकी जब भी ऐसा मोमेंट आएगा बैठने का तो बैठेंगे हम लोग। महागठबंधन जो है वो एकजुट है, और कोई भी जो नेता है वो आने वाले समय में फैसला लेंगे, तो एक साथ बैठ करके फैसला लेंगे। अब बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके।